हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम लोगों ने चैप्टर वन का इंडेक्स क्वेश्चन पहला किया था। आज हम न्यू बुक से पेज नंबर 10 का इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक साइज स्टेट इट्स यूनिट। तो द आंसर विल बी कि एटॉमिक साइज इज साइज ऑफ एटम, कि जो साइज होता है एटम का वो इंडिकेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द एटम। एंड व्हाट इज रेडियस? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, एंड वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, एंड इन पिकोमीटर ऑल्सो इट इज मेजर्ड, एंड वन पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि गिव द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा इसका आंसर कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इट इंक्रीजेस, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज विद चेंज इन पीरियड अ न्यू शेल इज एडेड विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। तो जितना शेल बढ़ता जाएगा उतना ही रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। एंड व्हाट वाज नेक्स्ट कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि इट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एज एट एवरी स्टेप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन, एंड वन प्रोटॉन इज एडेड इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल। देयर इज मोर अट्रैक्शन, दैट इज न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस एंड दस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो मतलब इसका ये है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहेंगे तो ज़्यादा जो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से साइज जो है एटम का छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक साइज। तो हम देख लेते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सेकेंड पीरियड के। तो यहाँ मैंने साइज के अकॉर्डिंग लिखा है। पहला होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एंड एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर साइज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाई इज द साइज ऑफ नियॉन ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा कि सिंस नियॉन बिलोंग्स टू जीरो ग्रुप हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, स्ट्रक्चरली स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ नियॉन कैन नो लॉन्गर पुल द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम फोर्स एज दैट ऑफ फ्लोरिन, हैंस साइज ऑफ नियॉन इज ग्रेटर दैन फ्लोरिन। ओके, कि जो नियॉन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टेबल होता है, और ये आप देखोगे भी तो एक्सटेंट में आता है, बिल्कुल नोबल गैसेस में आता है नियॉन, है ना, और ग्रुप 18th में आता है लास्ट ग्रुप में। और जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम और सोडियम में देखना था हमें। तो मैग्नीशियम इज़ टू द राइट ऑफ सोडियम इन पीरियड 3 एंड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हैंस साइज ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर दैन साइज ऑफ मैग्नीशियम। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि साइज जो है डिक्रीज करता जाएगा। तो डिक्रीज करता जाएगा क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करता जा रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो इसीलिए जो मैग्नीशियम है वो ग्रेटर होगा, हैंस द साइज ऑफ सोडियम, सोडियम का साइज ज़्यादा होगा किससे, मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होगा वो राइट साइड में आता है सोडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 which is greater in size, an atom or cation, an atom or an anion, or iron with valency 2 and iron with valency 3. तो देखते हैं first question कि atom या cation। तो atom will be greater than cation because cation is formed when atom loses its electron in outermost shell, that is its shell is lost and size of cation decreases. तो कैटायन का फॉर्म होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से क्या होता है, एक शेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट वन एन एटम और एन एनायन। तो एनायन विल बी ग्रेटर देन एटम
बिकॉज एन आयन इज फॉर्म्ड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, द इफेक्टिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज लेस, सो लेस इन्वॉल्व पुल इज एक्सपीरियंस एंड साइज एक्सपेंड्स. होता क्या है कि एनायन जब फॉर्म होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में जो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है. तो जो न्यूक्लियर पुल है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन्वॉल्व पुल कम हो जाता है, इसकी वजह से साइज एक्सपेंड कर जाती है. नेक्स्ट वन, आयरन विथ वैलेंसी 2 और आयरन विथ वैलेंसी 3. तो Fe2+ विल बी ग्रेटर देन Fe3+ बिकॉज आयरन विथ वैलेंसी 2 लूजेज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन सेम, सो इन्वॉल्व पुल इज मोर एंड साइज ऑफ Fe3+ डिक्रीज. होता क्या है कि Fe2+ एक और लूज कर देता है, एक और इलेक्ट्रॉन मतलब चला जाता है, तो जो है कि आयरन विथ वैलेंसी 3 बनता है. तो Fe2 में जब एक और लूज होगा तब Fe3+ बनेगा. तो जाहिर सी बात है कि Fe2+ क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा Fe3+ से. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे अरेंज करना है बेरिलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर. तो मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. तो सबसे लीस्ट वाला किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे ज़्यादा लिथियम का. ओके, नेक्स्ट वन सिलिकॉन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस, सल्फर. इसको डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में करना है. तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका है, सोडियम का होगा, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी की ट्रेंड बतानी है अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप. तो इसको भी देख लेते हैं कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन. तो इस पीरियड में आप देख रहे होगे लेफ्ट से राइट जाते हुए सोडियम जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम एल्युमिनियम की तरफ जब जाता है तो डिक्रीज करता है, और सिलिकॉन सबसे लीस्ट रिएक्ट करता है, और उसके बाद अगेन जो मतलब फॉस्फोरस है और ये सल्फर है तो इसमें भी सल्फर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फॉस्फोरस कम, और क्लोरीन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है. नेक्स्ट वन डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप क्या होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज इन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप. डाउन जाने पे जो है कि रिएक्टिविटी मेटल की डिक्रीज इंक्रीज कर जाती है, सॉरी इंक्रीज इसलिए कर जाती है क्योंकि वो जो मीन्स पॉजिटिव चार्ज से जो उनका सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है शेल बढ़ते चला जाता है. तो जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव न्यूक्लियर पोल से बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. अ मेटल एम फॉर्म्स एन ऑक्साइड हैविंग द फॉर्मूला M2O3. इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड. राइट द एटॉमिक नंबर एंड द वैलेंसी ऑफ द मेटल. कि एक मेटल एम है जो ऑक्साइड फॉर्म करता है इस फॉर्मूले के साथ और वो बिलोंग करता है मेटल थर्ड पीरियड से, तो हमें एटॉमिक नंबर भी बताना है और वैलेंसी भी बतानी है उस मेटल की. तो एज वी नो दैट कि वैलेंसी जो होती है इंटरचेंज होती है जब हम लोग फॉर्मूला लिखते रहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा कि जो मेटल है उसकी वैलेंसी 3 आ गई, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की ऐसे भी हमें पता है कि 2 होती है. तो मेटल एम बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड हैज़ 3 शेल्स. थर्ड पीरियड है तो 3 शेल्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीरियड्स कि किस पीरियड में है, तो शेल उसी पर डिपेंड करता है. और इसके पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. सिंस इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स हेंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 283 एंड दैट एड अप टू 13. और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, लास्ट में 3 है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप. स्टेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट. ऐसे तो 17th ग्रुप का थर्ड पीरियड में कौन सा आएगा,
क्लोरीन आएगा, है ना, हम सबको पता है. तो व्हाट वी हैव टू टेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट, नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम द फैमिली टू विच इट बिलोंग, एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट विद वाई. तो इसको भी देखते हैं हम. आंसर नंबर 9 कि सिंस इट बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप, तो इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और थर्ड का है तो 1, 2, 3, तो 3 शेल होंगे इसमें. एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट इज, आप देख सकते हो पीरियडिक टेबल से भी कि दैट इज क्लोरीन, एंड दैट फैमिली इज नोन एज हैलोजन फैमिली. व्हेन इट विल, हियर आई हैव रिटन ब्रोमीन बट हियर इट विल बी क्लोरीन, कि जब ये रिएक्ट करेगा वाई के साथ तो हियर विल बी क्लोरीन विद सेम वैलेंसी. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने मीन्स ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया है, तो दिस सेम फॉर्मूला विल बी फॉर क्लोरीन ऑल्सो, एंड हियर यू विल राइट क्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द गिवन टेबल शोज एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, एलिमेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट हैज गिवन. तो वी हैव टू स्टेट वेदर दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप और पीरियड. ये सेम ग्रुप के हैं या पीरियड के, तो यहीं पे आपका आंसर दिया हुआ है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये क्या होगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये सेम ग्रुप के होंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर. तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, जिसकी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, सॉरी जिसकी सबसे कम जो है कि मेल्टिंग पॉइंट होगी वो. तो ए इसमें जो होगा वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, उसके बाद सी, और सबसे कम मेटेलिक कौन होगा, बी होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, एंड द ऑप्शन इज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. तो हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, तो इसमें होगा आपका पोटेशियम का, बिकॉज आप टेबल में देख लेना कि साइज जो है वो डिक्रीज करती है लेफ्ट से राइट जाते हुए और इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 12 विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन कैनायन है और क्लोरीन. तो ब्रोमीन में, आयोडीन में, क्लोरीन में हमें पता है कि लार्जेस्ट साइज होती है आयोडीन की. तो आयोडीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब आयोडीन का एनायन बनेगा, तो इसलिए आयोडीन का एनायन क्या होगा, आयोडीन के एटम से ज़्यादा बड़ा होगा. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 कि द मेटल ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस एलिमेंट विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली एंड वाई. तो बैरियम विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली, वाई, बिकॉज इट इज़ एट द बॉटम, और बॉटम नीचे जाने पे क्या होता है कि शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते चले जाते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कॉमन फीचर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो सबका कॉमन फीचर क्या है कि सब ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, तो ग्रुप 2 को बिलोंग करने की वजह से सबकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ऑल्सो स्टेट देयर पोजिशन इन द पीरियडिक टेबल. तो इसको हम कर लेते हैं. ओके, तो हियर मास नंबर इज गिवन. तो प्रोटॉन इसमें कितना है, ये नीचे क्या दिया रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो Here the number of proton will be 19, and when you will subtract it from the mass number, so you will get the number of neutron, that is equal to 20, and number of electron is equal to number of proton, that is 19. So what will be electronic configuration, 2, 8, 8, 1. Next, for phosphorus, the number of proton is here what, 15, and that is only the number of electron also. For neutron you have to subtract it from the mass number, and then you will get 16 as number of neutron. And what will be electronic configuration, 2, 8, 5. Next question, let us see question number 15. The electronic configuration of an element T is 2, 8, 8, 1.
वॉट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ टी? तो सी हियर द वैलेंसी इज वन, तो देयर फोर इट बिलोंग्स टू द ग्रुप वन. नेक्स्ट वॉट इज द पीरियड नंबर ऑफ टी? तो पीरियड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल, तो वन शेल, टू शेल, थ्री शेल, फोर, तो इट बिलोंग्स टू फोर पीरियड. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एटम ऑफ टी? यू कैन इजिली सी वन. वॉट इज द वैलेंसी ऑफ टी? इट विल लूज, इट इज मेटल, तो द वैलेंसी विल बी वन ओनली. इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? सिंस इट इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अ मेटल. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16. देयर इज एन एलिमेंट बैरियम हैज एटॉमिक नंबर 56. लुक अप इट्स पोजिशन इन द पीरियडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो पीरियडिक टेबल में आप देख लेना कि सेकेंड ग्रुप में, सिक्स पीरियड में ये फॉल करेगा बैरियम. इट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल? तो ये एक मेटल है बिकॉज सेकेंड ग्रुप में लाई करता है तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन. इज इट मोर और लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम? तो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम. वॉट इज इट्स वैलेंसी? ग्रुप टू का है तो टू विल बी वैलेंसी. वॉट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट? तो फॉस्फेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बी ए थ्री पी ओ फोर का होल ट्वाइस. इज इट लार्जर और स्मॉलर देन सीजियम इन साइज? तो इट इज स्मॉलर इन साइज विथ सीजियम. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है. इन ग्रुप वन ऑफ द पीरियडिक टेबल थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड हैव आयोनिक रेडियाई 1.33 एंगस्ट्रॉम, 0.95 एंगस्ट्रॉम एंड 0.60 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली. गिविंग ए रीजन अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ग्रुप. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हियर यू कैन सी द साइज कि मीन्स द साइज ऑफ एक्स दैट इज 1.33 एंगस्ट्रॉम. दिस वन इज द लार्जेस्ट वन एंड देन वाई देन जेड. ग्रेटर इज द आयोनिक रेडियाई, ग्रेटर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. एज न्यू शेल इज एडेड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, आई एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज. तो जब भी कोई जब भी किसी का अगर रेडियस ज़्यादा हो रहा है तो वो किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि उसमें एक शेल ऐड हो रहा है. तो ओके, तो इसीलिए जब भी एक शेल ऐड होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें ऐडअप होंगे और ऐडअप होने की वजह से ही वो इंक्रीज करता है. तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18 नाउ कि एक्सप्लेन व्हाई आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट. ऑल ग्रुप कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल. इट इज़ इन करेक्ट बिकॉज ऑल ग्रुप कंटेन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ऑल्सो. नेक्स्ट वन, एटम ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इट इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट वन, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो वॉट विल बी हेयर कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नॉट डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन, रिएक्टिविटी इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर इन अ ग्रुप एज वेल एज इन पीरियड. तो इसका आंसर देख लेते हैं कि जो रिएक्टिविटी है इंक्रीजेज इन नॉन मेटल इन अ पीरियड एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज इन अ ग्रुप विथ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे क्या गया है, ये इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है कि जो रिएक्टिविटी है इंक्रीजेस फॉर नॉन मेटल. हियर व्हाट विल बी नॉन मेटल इन अ पीरियड एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस इन अ ग्रुप विथ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर. क्वेश्चन नंबर 19th, लेट अस सी. मैच द एटॉमिक नंबर 19, 15, 8, 4, 2 विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अ मेटल ऑफ वैलेंसी 1. तो हेयर 19 विल बी हेयर बिकॉज वेन यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देन यू विल फाइंड दैट द वैलेंसी विल बिकम 1. नेक्स्ट वन, अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ पीरियड 3. तो पीरियड 3 मीन्स इट हैज़ 3 शेल्स, तो 15, 2.8.5. अ रेयर गैस दैट इज हीलियम विथ इलेक्ट्रॉनिक, फिर एटॉमिक नंबर 2. नेक्स्ट वन, अ गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2. तो इट विल बी 8 because the electronic configuration will become 2.6 and the valency will be 2. An element of group 2, so that is atomic number 4. Next, question number 20.
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेंट करेक्ट वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. फर्स्ट वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट, मूविंग अक्रॉस डैश ऑफ द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट शोज इंक्रीजिंग कैरेक्टर. तो अक्रॉस अ पीरियड दे शोज इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नेक्स्ट वन, द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ अ ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो एट द बॉटम मोर मेटेलिक कैरेक्टर, है ना. नेक्स्ट वन, द सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट वन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द साइज ऑफ क्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ क्लोरीन एटम. तो इसका हमने पहले भी किया हुआ है कि क्लोरीन का जो आयन है तो वो कैसे फॉर्म हुआ है. दिस इज एनायन वन. तो एनायन फॉर्म होने के लिए क्लोरीन को क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होगा. तो वेन एवर वी विल ऐड वन इलेक्ट्रॉन, तो वॉट विल हैपन, सी हियर, अर्लियर इट वॉज हैविंग 17, बट नाउ वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन इट. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बिकम 2.8.8. तो अब ये क्या हो गया, इसका साइज इंक्रीज कर गया. तो एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन प्रोटॉन, इफेक्टिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज लेस. तो साइज विल व्हाट, साइज विल एक्सपेंड. नेक्स्ट वन, आर्गन एटम इज बिगर देन क्लोरीन एटम. तो व्हाट इज द रीजन, आर्गन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड हैज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. आर्गन ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन कम्प्लीटली फिल्ड शेल इज बिगर देन क्लोरीन एटम. तो आर्गन क्या है, नोबल गैसेज में आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है. तो यहाँ क्या कह रहा है कि आर्गन ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन कम्प्लीटली फिल्ड शेल इज बिगर देन क्लोरीन एटम. तो ये क्लोरीन एटम से क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा इसलिए भी होगा क्योंकि इस ये जो है ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है इसका. नेक्स्ट वन, आर्गन एटम, ओके दिस वन वी हैव डन. आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. दिस मेक्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, है ना. जितना छोटा होता जाएगा उतना ही मुश्किल होता जाएगा क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल. तो हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, देयर बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. नेक्स्ट वन, इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयन. तो इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयन बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, हेंस दे नाइदर लूज नॉर गेन. तो पहले से वो पूरा ऑक्टेट स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. नेम द एलिमेंट विच हैज़ टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा इसका, दैट विल बी नियॉन. ओके, इट्स एटॉमिक नंबर इज व्हाट, 8. नो नॉट सॉरी नॉट 8, इट्स 10. तो 2.8, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2.8.3. तो 13 पे कौन है, एल्युमिनियम है. अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दैट इज फॉस्फोरस. अ टोटल ऑफ 4 शेल्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो ऐसा कौन है, 2.8.8.2, दैट इज कैल्शियम. ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल, तो 2.4, ये कौन है, कार्बन है ना, विथ मीन्स एटोमिक नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 ऑफ द पीरियडिक टेबल एंड नेम देम. तो लेट अस राइट, पीरियड 1 में कौन कौन सा है, दो ही एलिमेंट होते हैं बस, सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है. नेक्स्ट वन, पीरियड 2 का, तो पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. पीरियड 3 में 8 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉमन फीचर
of the electronic configuration of the element at the end of period second and third. तो at the means क्या है, at the end of second and period third, both are having what, 8 electrons in their valence shell, in their outermost shell they all are having 8 electrons. It means they have octet structure. If an element is in group 17, it is likely to be metallic or non-metallic. तो group 17 कौन सा है, halogen family. तो halogen family क्या होगा, non-metallic होगा. While with one electron in its outermost energy level, then it is likely to be, जब one है तो क्या होगा, that will be metallic. क्योंकि one है तो क्या करेगा, lose करेगा. तो थैंक यू एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज.